हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में कोई पुरानी बाइक है जिसका स्पीडोमीटर काम नहीं करता है, या फिर कोई ऐसी कार है जिसका स्पीडोमीटर सही से काम नहीं कर रहा है, और आप कार को चलाते समय या फिर बाइक को चलाते समय ये नहीं जान पाते हैं कि आप किस स्पीड से उस बाइक को चला रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी इजिली जान पाएंगे कि आपकी स्पीड क्या है। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको स्पीड पता चलता रहेगा कि आपकी स्पीड क्या है और किस हिसाब से आप चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी बस में बैठे हुए हैं, किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, किसी और के कार में बैठे हुए हैं, और आपको जानना है कि वो जिस वाहन में आप बैठे हुए हैं वो वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी गति है उसकी उस समय, तो मैं आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से बताऊंगा किस तरह। तो आप जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ उसी की मदद से आप जान पाएंगे कि उसकी स्पीड क्या है। जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर जरूर से क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उस एप्लीकेशन का नाम जिसकी मदद से आप किसी भी गाड़ी का स्पीड जान सकते हैं चलते हुए गाड़ी का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चलना होगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर एप्लीकेशन देखिए हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आना होगा और सर्च कर लेना होगा स्पीडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, स्पीडोमीटर लेकर के आप सर्च कर दिए, यहाँ पे तमाम एप्लीकेशन चले आएंगे जिनमें से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन GPS स्पीडोमीटर ओडोमीटर यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये काम करता है और किस तरीके से इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया है, क्योंकि ये 5 MB का है, छोटा है, तो मैं इसको इंस्टॉल पर लगा देता हूँ। दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम सुनते ही वीडियो को बंद मत करिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप हमारे देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन था वो इंस्टॉल हो चुका है। ओपन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, थोड़ी देर में इस तरीके का आ जाएगा इंटरफेस, जहाँ पे आप एनालॉग, डिजिटल और मैप व्यू किसी तरीके से देख सकते हैं, साथ ही साथ किलोमीटर प्रति घंटे, MPH, किलो न्यूटन, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको GPS अनेबल करने के लिए बोला जाएगा इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे आपको अपना लोकेशन ऑन कर लेना होगा। जैसे आप अपना लोकेशन ऑन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए मैंने अपने बाइक में लगा करके इसको टेस्ट किया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में अभी आपको यहाँ पे डेटा दिखाने लगेगा, थोड़ा समय लेगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका GPS काम करने लगेगा और आप जैसे ही बाइक चलाना स्टार्ट करेंगे, ये डेटा बताना स्टार्ट कर देगा। देखिए इस तरीके से मैंने बाइक पे बैठ करके, बाइक चलाते हुए और यहाँ पे बस में बैठ करके, दोनों तरीके से जो है कि इसको टेस्ट किया है, तो इस तरीके से ये स्पीड बता रहा था। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बाइक का या फिर कार का कुछ भी स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो आप इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि कितनी स्पीड में आप चल रहे हैं। तो बड़ी ईजिली आप जान सकते हैं, किसी भी गाड़ी में बैठे हों आप बड़ी ईजिली जान सकते हैं कि कितनी स्पीड है उस गाड़ी की। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।